आका ने फरमाया जा मैनू कोई गम नहीं। अर्ज की सोने रोंदे क्यों? फरमाया जा मैनू अम्मी दी याद पई आउंदी, मैनू मेरी मां दियां यादां पई आउंदियां ने। ए मावां बाज मुहम्मद बख्शाओ, ये सारा जग वीराना। फरमाया साबाज मेरा दिल करदा है ओ हुजरे च मेरी माया बिना बैठी होवे, मैं इशा दी नमाज पढ़दा आवां, अचानक मेरी मां दी आवाज आवे वे मेरे पुत्र मुहम्मद मेरी गल सुन जा। फरमाया मां मुहम्मद जी कर दे, कदे मां दी आवाज आवे मैं रब दी नमाज छोड़ के अपनी मां दी गल सुन के आवां। पर कित्थों लेके आवां अजो आवाज केड़िया मुहम्मद नु मुहम्मद कह के बुलाउन। मेरी मिल्लत दे नौजवानों इन्हां मावां दियां कदरां करे आज, नहीं देखो पुछे मेरे नबी कोलों मां दी कदर की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया अनिशकुर ली वाली वालिदई, फरमाया मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करो। उलमा ने फरमाया कि कुरान मजीद अंदर तीन आयात बयानात ऐसी हैं कि इन आयात के एक हिस्से पर अमल किया जाए एक हिस्से पर ना किया जाए तो अल्लाह फरमाता कि जिस हिस्से पर अमल किया है वह भी कबूल नहीं। पहली आयत मुबारक का इरशाद फरमाया अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, फरमाया नमाज अदा करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। अगर कोई इंसान पंज वक्त नमाज ते पढ़े मगर माज़ल्ला ज़कात दा मुनकिर हो जाए तो अल्लाह फरमाता कि मैनू तेरे सजदियां दी लोड़ ही नहीं। और अगर कोई करोड़ों रुपए च ज़कात अदा करे मगर माज़ल्ला नमाज दा मुनकिर हो जाए तो अल्लाह फरमाता कि मैनू तेरे पैसे दी ते माल दी लोड़ ही कोई नहीं। अकीमुस्सलात भी अमल कर व आतुज़्ज़कात भी अमल कर। दूसरी आयत मुबारक फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, अल्लाह की भी इतायत करो तो महबूब की भी इतायत करो। अगर कोई अल्लाह की इतायत करे कि नमाज रोज़ा हज फराइज अदा करे मगर रसूल करीम अलैहिस्सलाम नु माज़ल्लाह आप दी एक अजमत का भी इनकार करे तो अल्लाह फरमाता कि मैं तेरी अतायत इलाही कबूल नहीं करांगा। अतीउल्लाह ते भी अमल कर व अतीउर्रसूल ते भी अमल कर। हालांकि फरमा दिता मैं तेरे रसूल फकत अता अल्लाह, फरमाए जेड़ा रसूल की अतायत करे समझे मैं अल्लाह की अतायत कर ले। अगर मैं इतायत लफज से गुफ्तगु करा तो लिखा अल्लाह का उनवान है मगर जो वक्त की किल्लत मैं अपने उनवान के तहत गुफ्तगु अर्ज करनी। तीसरी आयत मुबारक फरमाया अनिशकुर ली वाली वालिदई, मेरा भी शुक्र अदा करते माँ बाप का भी शुक्र अदा कर। अगर कोई नमाज पढ़े जकात ना दे नमाज भी कबूल नहीं। अगर कोई अल्लाह की अतायत करे रसूल की ना करे तो अल्लाह फरमाता मैं अपनी कबूल नहीं करता। अल्लाह का लख बार शुक्र अदा करे कि माँ बाप का ना शुक्र हो जाए, अल्लाह फरमाता मैं अपना शुक्र किया भी कबूल नहीं करता। अल्लाह ने माँ बाप का जिक्र अपने जिक्र के नाल ते माँ बाप का शुक्र अपने शुक्र के नाल ही रखिया। उलमाए किराम तशरीफ फरमा ने अल्लाह कुरान मजीद च बार बार फरमा रहे वबिल वालिदैन इहसाना, अपनी माँ ते बाप ते एहसान करो। पढ़े लिखे नौजवान तशरीफ फरमाओ अगर कोई नौजवान शाम नु कम तो आके अपनी माँ के कदम दबावे ते क्या वो अपनी माँ ते एहसान कर रहे? अबू जी ने दवाई लिया के देवे ते क्या वो अपने बाप ते एहसान कर रहे? हरगिज़ नहीं। अल्लाह कुरान मजीद च बार बार क्यों फरमा रहे वबिल वालिदैन इहसाना, अपनी माँ ते बाप ते एहसान करो? क्या औलाद का भी माँ बाप ते कोई एहसान होंदा? हरगिज नहीं। कुरान मजीद च अल्लाह ने फरमा हल जजा उल एहसान इल्ल एहसान, फरमाया एहसान का बदला सिर्फ एहसान है। तेरे बचपन तो लैके तेरी जवानी ताई जेड़े वालदैन ने एहसान तेरे ते कीते ने अल्लाह फरमांदा उन्हां एहसाना दा बदला दे। औलाद कितनी भी माँ बाप की खिदमत कर लवे औलाद दा माँ बाप ते कोई एहसान नहीं, क्योंकि औलाद अजे माँ बाप दे एहसाना दा बदला पे अदा कर दिए। और अगला सवाल ये वे कि क्या माँ बाप दे एहसान दा बदला इंसान दे सकदा है?
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ طواف کعبہ کر رہے, آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو اپنے کندھے تے بٹھا کے طواف کعبہ کروا رہے ہے. اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرے نال طواف کعبہ کر رہے, یہ حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم ترجمان القرآن قرآن مجید دے پہلے مفسر نبی پاک دے چاچا دے بیٹے صحابی رسول او عبداللہ بن عباس جدے بارے مولا علی فرما دے نے کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دیں تے انج لگدا ہے بریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پیا ویکھدا ہے. اس نوجوان نو خیال آیا کہ اے اتنے بڑے عالم تے صحابی رسول نے مسئلہ نہ پوچھ لواں, انہیں عرض کیتی حضور آ جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی ہے میری ماں ہے, مکہ المکرمہ تو 6 میل دور میرا گھر ہے, اج میں گھر آیا تے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کردا میں کعبے دا طواف کر کے آواں, میں اپنی ماں نو کندھیا تے اٹھایا تے 6 میل ان گرم پتھراں تے پہاڑاں تے چل کے آیا, جنہاں پہاڑاں تے پتھراں اتے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او کباب بن جائے, میں ان گرم پتھراں تے 6 میل ٹر کے ماں نو کندھیا تے اٹھا کے طواف کعبہ کروا رہا تے مسئلہ اے دسو اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا بیٹا کیا تو ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں. فرمایا سن فتوا تینوں جنم دیوا لگیا جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سن نا انہاں چوں ایک جھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑا تیری بچپن چ ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا ایک دودھ دی چسکی دا اجے بدلہ ادا نہیں ہویا. او یار انہاں دی تے ایک تکلیف دا انسان بدلہ نہیں دے سکدا, پھر ماپیاں تے احسان کون کرے؟ انسان تے انہاں دے احسانات دا بدلہ ہی ادا نہیں کر سکدا. آ جڑی ختم پاک دی محفل سالانہ سجائی جا رہی اے ان احسانات دے بدلے وچ احسان کیتا جا رہا کہ ماپے دنیا تو ٹر جان پھر بھی انہاں دے واسطے محفل سجاؤ, خورے بخشش دا ذریعہ بن جائے بلکہ یقیناً اپنی بخشش دا ذریعہ بن جائے. سنیے قرآن, اللہ قرآن مجید وچ ماں باپ دی کیویں کیویں کتھے کتھے شان بیان کر رہا, پڑھیے قرآن جے سبحان اللہ. فرماؤ سارے بھائی اج میرا خیال ہے پورے 2 مہینے نہیں گزرے جدوں میں تہاڈی زیارت کر کے گیا سا تے میں تانوں چوکھی سبحان اللہ سکھا کے گیا سا, جے تے بھول گئے ہو تے میں دوبارہ یاد کروا دینا کہ سبحان اللہ کہنی ہے تے انج کہنی ہے کہ مدینے آواز چلی جا ہوئے. کوئی زور نہیں تسی لگا رہے, زور لگا کے بولو سبحان اللہ. جڑا جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ. مینو بیگ صاحب نے بار بار آکھیا میرے بھائی امریکہ نے تو انہوں سن دے نے, دلاور صاحب نے بار بار آکھیا وہ سن دے نے, انہاں دی ضد دے انہاں دی خواہش ہے کہ آسی صاحب ہونے چاہی دے نے ہر صورت وچ, تو میں حاضر ہاں اللہ انہاں دے بھائی نو بھی انہاں دی امریکہ والے جنہاں اولاد واسطے یاسین صاحب اللہ انہوں نیک تے صالح اولاد نبی پاک دے والدین دے صدقے چ عطا فرمائے, اللہ اولاد نورین عطا فرمائے. تسی سبحان اللہ فرماؤ تے میں قرآن پڑھا. اللہ نے ارشاد فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ان اشكر لي ولوالديك والي المصير وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. چار آیات میں قرآن دیئے پڑھیاں, انہوں چاروں آیات چا اللہ نے اپنے ذکر دے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, فرمایا بنی اسرائیل کو وعدہ لیا اے قوم بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب لا تعبدون الا اللہ, اللہ دے علاوہ کسی دی عبادت نہ کرے آجے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا,
ते अपनी मां ते बाप ते एहसान करो। आओ एक गल मैं तुहानू बनी इसराइल दी सुनावा, एक गल तुहानू मैं कमली वाले दी अम्मी दी सुनावा, ते एक गल तुहानू उम्मत मुहम्मदिया दी मां दी सुनावा। फिर जांदिया फैसला करे आजे आदम अलैह सलाम तो लैके अज तई जिन्हों भी मर्तबे ते मुकाम नबूवत तो बाद सहाबियत तो बाद जितने भी मुकाम मिले उस सारे मां दी दुआ नाल मिले। जब तक मां दी दुआ शामिल नहीं उन्होंने मर्तबे ना मिले ते फिर मैनू ते तुहानू मर्तबे मां दी दुआ दे बगैर किवें मिल सकदे ने। आइए आई मेरा उनवान है अल्लाह दे नबी हजरत मूसा कलीम अलैह सलाम मुल्क अंताकिया तो मुल्क शाम अल हिजरत फरमा रहे। अल्लाह दे नबी थक गए थे, आपने मूसा कलीम ने अर्ज की थी या अल्लाह मैं तेरा नबियां थक गया सवारी अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया कि पहाड़ी की ओट च चले जाओ, उत्थे एक वली बैठा है उहदे कोल जाके सवारी ले लो। अल्लाह दे नबी हजरत मूसा कलीम फरमाते ने मैं जदों पहाड़ी की ओट च गया उत्थे एक अल्लाह वाला बैठा है अखियां बंद ते मालिक ना लौ लगा के बैठा है तस्बीह पे पढ़ दे उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बाबे दी अखियां बंद ते रब ना लौ लगा के बैठा है। हजरत मूसा फरमाते ने अस्सलाम वालेकुम, बाबे ने अख खोल के चेहरा वेखिया ते कहन लगा मूसा वालेकुम सलाम हजूर बैठो ना। अल्लामा सफूरी फरमाद ने कि आप बैठ गए ते आप फरमाद ने बाबा फिर तस्बीह पढ़न लग पे। अल्लाह दे नबी फरमाद ने कि मैं ताए पाए लेंदा चढ़दा दखन पहाड़ देखे आ नाले मैं पूछया बाबा कि तेनू मेरा नाम किन्ने दसे ते कहन लगा लजपाला जेड़ा तुहानू मेरे कोल भेज सकदा मैनू तुहाडा नाम नहीं दस सकदा। आप फरमाते ने मैं वेख्या ते पिंड कोई नहीं गराई कोई नहीं चक कोई नहीं आबादी कोई नहीं बस्ती कोई नहीं शहर कोई नहीं ए बाबा सवारी कितों ले आके देवेगा। ते बाबा अख खोल के कहन लगा हजूर की होया जिस पिंड कोई नहीं तुहानू ते सवारी चाहिदी है ना मैं जिथों भी ले आके देवा। इतना कह के बाबा फिर याद इलाही करन लग पिया ते हजरत मूसा फरमाते ने मैनू ख्याल आया ए मेरे दिल च छातियां पिया मार दे मैं नबी हाँ ये वली है जो मैं सोचना इनू किवें खबर हो जाती। नबी करीम ने फरमा इत्तकु फिरासत अल मोमिन फइन्नहु यनजुरु बिनूरिल्लाह फरमाया मोमिन दी फिरासत तो डरिया करो तुसी अख दे नूर नाल वेखदे हो और रब दे नूर नाल वेखदा है। पढ़ा कुरान भाई हुण लंगर वंड के वेखो ते अपना रौला वेख्या जी हुण मैं सुभान अल्लाह कह रहे एडिया मिठियां गल्लां ते कोई नहीं बोल रहा तुहाडे च या अल्लाह जेड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह बोले इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आवे हाथ चुक के जेड़ा इस तो उच्चा बोले रमजान शरीफ च अपने पूरे खानदान नाल उमरा करके आवे या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले आज रात सोवे ख्वाब च कमली वाला तशरीफ ले आवे तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले जागदे महफिल च सोने दा दीदार करा दे। मैनू कहंदे जोर लगाओ तुसी भी लगाओ भाई आरफा दे सुल्तान ने फरमाया दिल दरिया 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 दिल दरिया इस तबक दिले दे अंदर रब तंबू वागन दावाने हूल दर कबुल तबकन अल तबक चौदा तबक दिले दे अंदर रब तंबू वागन ताने हूँ जम जम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो ज
जेड़ा दिल दी रमज पछाने हो जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद बाहो हर दम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो फिर दम दम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो जेड़ा दिल दी रमज पछाने हो अल्लाह दे नबी मूसा कलीम फरमा देने बाबा जेड़े वेले यादे इलाही तो फारे गोया कहन लगा नबी अल्लाह दसो सवारी आ जाए फरमाया आ जाए तब ने आसमान वल वेखे आओ एक बदल का टुकड़ा फिजा जुड़ता जा रहा उस बाबे ने बदल के टुकड़े नुगली का इशारा किया नाले कहन लगा जमीन थी आ जाओ अल्लाह दे नबी मूसा फरमा देने मैं वे के हैरान रह गया बदल का टुकड़ा जमीन पे आके घोड़े की शक्ल इख्तियार कर गया बाबा कहन लगा नबी अल्लाह जो सवारी आ गई है अल्लाह दे नबी फरमा देने बहना ते भूल गया फरमा लगे बाबा मैं नबी या तू बली है दस किन्ना को अल्लाह नु राधी कर ले आई बदलां दे टुकड़े जमीन ते बुला लेना है बाबा दस किन्ने को नफल पढ़ बैठा है किन्ने को सजदे कर बैठा है किन्निया को राता जाके अल्लाह नु राधी कर ले आई बाबे दियां चीखा निकल गईया अर्द करदा नबी अल्लाह ना जगरातियां दा कमाल है ना तस्बीहां दा कमाल है ना सजदियां दा कमाल है फरमाया दस बाबा शाना कितों लिया होनी अर्द करदा नबी अल्लाह जदों मैं जवान होया हो मेरी वडेरी जी मां बीमार हो गई मैं कुछ नहीं किया 20 साल अपनी मां दी खिदमत करदा रहा अर्द की सोनिया जड़े वेले मां दा आखरी वेला आया अम्मी ने आख्या मैं पुत्रा आ जा जरा जांदी वार मां दे सीने लगे जाओ मैं रब नाल दो गल्लां करनियां ने अर्द की सोनिया मैं मां दे सीने ते लेट गया तेरी अम्मा ने जफा मार लिया अर्द कर दिया नीली छत वा ले आओ साल मेरा पुत्र मेरिया खिदमत करता रहा मैं ते बड़ा राधी चली याद तेरे बाद किसे मामा बालिया दुआवा नहीं देनिया मैं जांदी बारी इनकी दुआ दे चली साल मेरा पुत्र मेरिया खिदमत करता रहा है मैं जो मंगती रही देता रहा है याद आखरी वेले दुआ देनी आऊं जिवें मेरिया मनदा रहा है दोए दिया मनदा रही या लए मेरिया मनदा रहा दोए दिया मनदा रही अर्द की सोनिया मेरी मां दा इंतकाल हो गया नौजवानों डोगरा कला वाले ओ मरना सावरे आने में दुआ करया करो किसे दी मां ना मरे किसे दी मां ना मर जाए आर फे खड़ी रहमत लाल फरमा देने आप फरमा देने मावा वाले ए मामा दे खुले सै फरियाद ले जाते पर मोया मावा वाले रो रो आपे चुप कर जावांदे पर मोया मावा वाले रो रो आपे चुप कर जावांदे बेशक मगरू लज़त दे दी ए बात दनावा वाली फेर नहीं लभदी तो
दुनिया करे उल्फत मावा वाली डोगरा कलां वाले उछा बोलो सारे भाई आमीन। अल्लाह दे नबी हजरत मूसा फरमाते ने मैं सवारी ते बैठ के जदों कोहे तूर ते आया हां ते आपने अल्लाह दी बारगाह च अर्ज की या अल्लाह ओ वली ते मैं नबी नबी ने वली को भेजे तो इन्हें मरतबे दिते नहीं बदलों के टुकड़े जमीन ते बुला लें। अल्लाह ने फरमा मूसा तू इस गल तो हैरान है कि उन्हें बदल का टुकड़ा जमीन ते बुलाया। फरमा कदे बाबा हाथ चुक के दुआ करे ना कि या अल्लाह आसमान जमीन ते उतार दे। फरमा दुआ मैं ये भी कबूल कर लेनी है क्योंकि मैं बाबे वाल नहीं पिया वेखदा मैं उसकी मां की दुआ वाल पिया वेखदा। डोगरा कलां दे नौजवानों सच्ची दसो जे बनी इसराइल दा वली मां की दुआ नाल बने बल्कि मैं इस उम्मत दे वलियां दी अगर शान ते उन्हां दा तज़करा छेड़ी बैठा तस्करा मैं एक एक करके छेड़ा। मैं चंद दिन कबल है कि बाबा जी को बैठा थे मेरी आदत है कि मैं बुजुर्गों को जिंदगी के तजर्बे सीखता रहना। मैं पूछा बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजरी। बच्चों चुप करो बच्चों बाहर भेज दो जी जेडे बच्चे शोर कर रहे हैं इन्हों बाहर भेज दो। मैं पूछा बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजरी। अलामा अल्ताफ साहब वो बुजुर्ग कह लगे आसिफ साहब मैं गरीब मां बाप का पुत्र सां ते मेरी दुखां ची गुजर गई गुरबत ची गुजर गई पर शुक्र है अल्लाह का पुत्र जवान होए ते कोई यूरोप चला गया कोई अमरीका चला गया ते अल्लाह ने कोठियां भी दीतियां ते कारां भी दे दीतियां ते रब दे बड़े फजल हो गए ने सारे दुख भुल गए। मैं पूछा बाबा जी को दिल की हसरत हो गई कह लगे नहीं आसी साहब कोई हसरत नहीं अल्लाह सारिया पूरिया कर दतिया रब का बड़ा ही फजल है। मैं वेख्या ते बाबे दी अखे च मोटे मोटे अथरू। मैं पूछा बाबा जी रोंदे क्यों। कह लगे आसी साहब होर ते कोई हसरत नहीं पर कोठी वेख के दिल करदा कदे मां होवे ना कदे मां होवे बाप की कदर करो नहीं तो रब्बे काबा की कसम मिंबर से खा के कहना कई मावां नूं मिलन वास्ते कब्रस्तान जाना पैंदा। ईद वाले दिन सारा जमाना नवे कपड़े पाके खुशियां मनांदा होंदा जिन्हां दे टुर गए ना वो ईद वाले दिन जाके मावां दीआं कबरां ते बैठ के रोंदे होंदे ने। उन्हां नूं ईद भी ईद नहीं लगदी जदों मां टुर जाए बाप टुर जावां ते इंज लगदा जिवें आसमान तों इलावा सिर ते साया ही कोई नहीं। उन्हां दे दिल दी दुनिया ही उजड़ जांदी है जदों मावां टुर जाण। रात नूं सराहणे च सिर दे के रोंदे ने ते कहिंदे ने या अल्लाह कोई उंज बुलावे जिवें मेरी मां बुलांदी सी उंज प्यार करे जिवें बाप प्यार करता सी। कद कद ना सफेद दाड़ियां वाले बाबियां कोल बह के पुछा करो मां दी शाना ते मां दी कदरां। मेरे ते तुहाडे सियालकोट दी तारीख दे बहुत बड़े खतीब गुजरे ने उन्हां दा नाम सी हजरत अल्लामा मौलाना मुहम्मद यूसुफ सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह। ए बुजुर्गां ने सुनिया होवेगा आप फरमांदे हुंदे सन अपनियां तकरीरां फरमाना जदों मैं जलसिआं ते तकरीर करन जांदा ना ते लोग इश्तहारा ते मेरा नाम लिखते हैं ते मेरे नाम दे नाल अलका बात लिखते हैं खतीबे पाकिस्तान मुकर्रे शोला बयां आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अलामा मौलाना हाफिज उकारी मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी सियालकोटी दामत बरकत मुल आलिया आप फरमा दे लोग मेरे नाम नाल इतने अलका बात लिखते पर मेरे कलेजे ठंड नहीं पैंदी पर जदों अद्धी रात वेले जलसा मुका के घर जावां ना
ते मेरे जवान पुत्र सुते होंदे ते मेरी वडेरी जी मां जागदी होंदी। घर जाओ ना रात नूं कदे, बल्कि मैं 23 साल गुजर गए मैनू खिताबत करदे आ, मैं पाकिस्तान दे मुख्तलिफ शहरां च रात नूं मुख्तलिफ वक्त च घर आउंदा। सर्दियां दी रात होवे, धुंदां दी रात होवे, मैं किसी सफर तो घर वापस आ रहा, मेरे गांव की गली चो मैं गुजरिया, मेरे क्लास फैलो से उहदा नाम सी मंजूर, मेरे मोहल्ले दे अंदर उहनां दा घर, ते मैं रात 2:30 बजे सर्दियां दी रात गुजरिया, ते मैं वेख्या ते उह मंजूर दी जिहड़ी वालदा मेरे गांव की वडेरी जी माई साहबा वह गली विच ना दरवाजे च बैठियां। मैं गुजरदिया रुक गया ते मैं ठहर के पुछया, मैं आख्या चाची जी मां जी ये रात 2:30 बजे गली च बैठे हो, खैरियत है, घर में कोई परेशानी तो नहीं? ते माई साहब बड़ी सादियां जी मेरे पिंड दियां कह लगी, हाफिज जी वो मंजूर अज काम तो नहीं आया, उस मां दा मंजूर काम तो नहीं ना आया, उन्हें ओवर टाइम लगाना, ते मां नूं गर्म बिस्तर च नींद ते आराम नहीं आ रहा, सारा जग गर्म बिस्तर च सुता है, ते मां गली च पुत्र दा इंतजार कर रही, उन्हें सर्दी भी नहीं लग रही क्योंकि उहदा मंजूर नहीं ना आया। मैनू कह लगी हाफिज जी मेरा मंजूर अजे नहीं ना आया। मौलाना यूसुफ सियालकोटी फरमाते ने अद्धी रात वेले घर जावां ते पुत्र सुते हुंदे ते मां जागदी होंदी, आ फरमाते मैं जे जाके दरवाजे ते हाथ ही रखना ते अंदरों मेरी मां की आवाज आउंदी है वे यूसुफा आ गए, तुसी नहीं समझे। बाहर लोग हजरत साहब कहंदे ने, हजूर कहंदे ने, अलामा साहब कहंदे ने, मुफ्ती साहब कहंदे ने, हाथ चुमदे ने, पर घर च जिहड़ी मां अनपढ़ है ना वह पेंडू भी है ते सादी भी है, उन्हें यूसुफ कहना नहीं आता, उन्हें यूसुफा कहना भी नहीं आता, पर प्यार ना कहती है यूसुफा आ गए। फरमाते सन खबरे खेड़े प्यार ना यूसुफा कहती है कि ले जी ठंड पा दे, तेन चीमा चट्ठा राजपूत राणा साहब जट साहब भट साहब मलिक साहब चौधरी साहब बेग साहब कहने वाले जमाने च लखा भी हो गए, पर वो जरा तेन पप्पू ते मिठू कह के मां बुलांदी है ना, ये टुर गई ना ते रात नूं सराहने च सिर दे के रोवेगा ते आखेगा कोई उंज बुलावे जिवें अम्मी बुलांदी सी, कोई ते उंज प्यार करे जिवें अब्बू प्यार करदे सन, पर ये बहारां टुर जावन ना फिर जिंदगी च दूसरी बार वेखण नूं नहीं मिलदियां, नहीं मिलदियां बहारां। आरफे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने मावां वाले मावा गोदी ले तने मिल जाए खुले खजाना, ए मावा बाज मुहम्मद बसाओ ए सारा जग वीराना, मावा बाज मावा बाज मुहम्मद बसाओ ए सारा जग वीराना। इमाम बाकी ने फरमाया एक दिन मेरे नबी ने इशाओं की नमाज पढ़ाई, सहाबा बारुखे अनबर की दाओ, सहाबा ने वेखे नबी करीम दिया कंज छम छम तोया, अर्द की कमली वालिया दसो किन्ने कम दिता जै, दस कमली वाले किन्ने तकलीफ दिती आओ, सोने सी पुत्र तेरिया जुल्फां दे खुटना तो वार रही है, मेरे आका ने फरमाया साहबा मैनू कोई गम नहीं, अर्ज की सोने रोंदे क्यों, फरमाया साहबा मैनू अम्मी दी याद पई आउंदी, मैनू मेरी मां दियां यादां पई आउंदियां ने, ए मावा बाज मुहम्मद बख्शाओ ये सारा जग वीराना। फरमाया साहबा अज मेरा दिल करदा है ओ हुजरे च मेरी माया बिना बैठी होवे, मैं इशाओं दी नमाज पढ़दा आवां, अचानक मेरी मां
दी आवाज आवे वे मेरे पुत्र मुहम्मद मेरी गल सुन जाओ। फरमाया मुहम्मद जी कर दे कदे मां दी आवाज आवे मैं रब दी नमाज छोड़ के अपनी मां दी गल सुन के आवा पर किथों लेके आवा अजो आवाजा केड़िया मुहम्मद नु मुहम्मद कह के बुलाउन। मेरी मिल्लत दे नौजवानों इन्हां मावां दीआं कदरां करे आज नहीं देखो पुछे मेरे नबी कोलों मां दी कदर की है। एक दिन अबू जौन ने मेरे नबी दे मत्थे ते पत्थर मारे आ सरकार दा खून निकले आ नबी करीम रोंदियां काबे च आ गए। नौजवानों सारा दिन नबी पाक काबे वल वेख के रोंदे रहे नाले अर्दा कर देने इल्लामा अश्कू पसीवा हुज़्नी इल्लाह। नौजवानों शाम दा वेला चाचा मीर हमदा शिकार करके करे आए नौकरानी खाना रख दी रोन लग पई। अमीर हमदा फरमा दे रोने क्यों है नौकरानी दियां चीखा निकल गई कहन लगी अज काबे खुलों गुजरी सा मुहम्मद कलियां बैठ के पे रोंदे ने। चाचे ने पूछे क्यों रोंदे कहन लगी सुने अबू जौल ने मारे आए चाचे दा खून खोले आओ जाके अबू जौल दे सिरे च कमान मारी ओदा सिर फाड़ के काबे दे अंदर आ गए। कमली वाले नूं फड़ के सीने नाल लायो कहन लगे सुने आवा चुप कर जाओ मैं तेरा बदला ले आया। रावी लिखदा मेरे नबी चाचे दे बाद छुड़ा दिते फरमाया छड़ दे मेरा कोई चाचा नहीं अज मेरा कोई बाबा नहीं अज कदे मेरा भी बाप जिंदा आंदा लोकी मैनू यतीम समझ के नवार दे अज कदे मां जिंदा आंदी नुकरा च कलियां बह के ना रोंदा सुबह दा रोंदा रिया कोई चुप कराउन नहीं आया अज कदे मेरी भी मां जिंदा आंदी इंज कलियां नुकरा च बह के ना रोंदा पर मैं की करा अज बाप भी कोई नहीं अज मेरी मां भी कोई नहीं मावा आज मुहम्मद बसाओ इस सारा जग वीराना। मावा बाज मुहम्मद बख्शा इस सारा जग वीराना। मैं अर्ज कर रहा था कि नबुवत और सहाबियत तो बाद जितने भी बरातब उन्हें जब तक मां की दुआ शामिल ना हो मरतबा नहीं मिलता। मैं आसान अल्फाज अर्ज करा मामा की अजमत सुनने वाले मां दुआ करे तो पुत्र नबी नहीं बन सकता मां दुआ करे पुत्र सहाबी नहीं बन सकता। इस तो बाद जितने भी मरातब ने उन्हें मां की दुआ जरूरी है भावे खैरुत ताबेईन हो भावे सैयदुत ताबेईन हजरत खाजा वैसे करनी हो वैसे करनी जिदे बारे मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जिन्हों मेरा ओवैस मिले उदे कुल अपनी बख्शिश की दुआ करवा लिया जाए जिन्होंने नबी पाक फरमावन जिदे बारे फरमा कबीला नबिया ते मुजर दियां बकरियां दे वाना जितने गुनागार कियामत नूं सिर्फ वैसे करनी दी शफात ना बख्शे जावन किवें मुकाम मिले ते मुकाम पता की है उहदे दीगर मरातब अर्ज करा ते मैनूं वक्त दरकार इक अलहदा उनवान है पर आ नबी पाक सहाबा नूं फरमा रहे जिहड़े अगे बख्शे बख्शाए ने ना नबी पाक उन्हां नूं फरमा रहे किसी नूं उवैस मिले ते उहदे कोल बख्शिश दी दुआ करवा लिया जाए। नबी पाक जदों हिजरत करके मदीना शरीफ आए ना असर दी नमाज पढ़ी ते नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया आओ सहाबा जरा मदीने दी सैर करके आइए। मदीना तैयबा के बाहर तशरीफ लिया के नबी पाक ने मशरिक वाल चेहरा अनबर किया अपने सीना अकदस तो कपड़ा हटाया लंबे लंबे सांस मेरे नबी ले रहे
सहाबा वेख दे रहे। अगले दिन फिर असर की नमाज पढ़ के फरमा आओ मदीने की सैर करिए। उस मुकाम से खलो के मशरिक वाल चेहरा अनवर किया, सीने अकदस तू कपड़ा हटाया, तो नबी पाक लंबे लंबे सांस लै रहे। सहाबा वेख दे रहे। तीसरे दिन फिर नबी पाक असर की नमाज पढ़ के उस मुकाम से खलोगे, मशरिक वाल चेहरा किया, लंबे लंबे सांस ले। सहाबा के बार को ना दिया गया तो हजरत उमर फारूक ने अर्ज की थी, कमली वाले इधर की है, इधर की है। सुने سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن۔ حضور نے فرمایا صحابہ ادھر مشرق ہے، مشرق چ یمن دا شہر ہے، تے یمن دے شہر چ کہ محمد دا دیوانہ بسدا ہے۔ فرمایا نفس الرحمن، مفتی صاحب قبلہ نو پوچھ لو ذخیرہ احادیث چ ایک انسان ہے جدے بارے میرے نبی نے لفظ نفس الرحمن بولے۔ حضور نے فرمایا میں ایتھے آ کے کھلواں تے مینوں رحمان دی خوشبو آندی ہے۔ जे सियालकोटी पंजाबी जुबान का तर्जमा करा तो नबी करीम ने फरमाया इतने आके खलोवा तो मैं आशिक वालों ठंडिया हवाव आ। ताइयों ते अलामा इकबाल मेरे ते तुहाडे सियालकोट का कलंधर ते लाहौर का दरवेश मुसव्वर पाकिस्तान अलामा इकबाल ने फरमाया मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। इकबाल कहता सी मशरक च वसनिया तो नबी पाक नू इधरों ठंडिया हवाव गई। आप फरमाते ने मेरा वतन ओ है जिधरों हजूर नू ठंडियां हवावां गईयां। कौन है दिवाली ने फरमा मशरिक च मेरा आशिक वसद है, ओदे वल मैनू ठंडियां हवावां आउंदियां ने। सहाबा नू ख्याल आया या रसूल अल्लाह तुहाडे पिछे पुत्र ते असां कुर्बान कर छोड़े, तन मन धन असां बारे, मक्का छड़ के मदीने तुहाडे पिछे असीं आ गए। ओ केड़ा जिहड़ा सोणिया कदे आया भी नहीं ते तुसीं मदीने बह के प्यार करी जा रहे हो। अस किती या रसूल अल्लाह कौन है, ओ कौन है सोणिया। ਆਲੇ ਦਿਵਾਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਹਬਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਰੋਦੇ ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਊਂਟ ਚਾਰ ਦਾ ਯਾਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਐ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਬਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਰੌਂਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ। ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਐ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਏ। ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਐ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਹਬਾ दुनिया दिया गलिया चुन जाना दाई कोई नहीं, आसमान दिया गलिया च फरिश्ते गल्लां ही उहदियां कर देने। अर्ज कीती सुनिया एडा आशिक मदीने क्यों नहीं आउंदा, फरमाया उहदी मां वडेरी बीमार नबीनी है, तेरे आखे लगे मां दिया खिदमतां पिया कर जाए। अर्ज कीती सुनिया उहदा नाम की है, फरमाया उहदा नाम ख्वाजा उवैस करनी। अर्ज की सुनिया कदे मदीना नहीं आया, तुसी कदे यमन नहीं गए, एक एक निशानी गिन के किवें दसदे हो। फरमाया साहबा आन वाली उम्मत नु दसना जाना, ए ना समझिया जे नबी नु खरे मेरा पता कोई नहीं। फरमाया सच्चा इश्क लैके कायनात किसे नुकर च बह जाओ, मदीने खबरां हो जांदियां। ताकि उम्मत नु खबर रवे कि नबी बेखबरा नहीं, बेखबरा नबी। ओ चनेट रबे मिलद मिर्जा कादियानी खबरां वाला नबी मदीने है? मेरा नबी मदीना तैयबा, मेरी मिल्लत दे नौजवानों नबी ने दस्या मेरे गुलामों किधर ना समझिया जो खोरे नबी नु मेरा पता नहीं। आला हजरत फरमाते ने बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। सैयद आलम ने खबर दिखा इधर मेरे नबी मदीने उदा जिक्र छेड़ के बैठे तो उधर खाजा वैसे करनी, जब शाम नु ऊंट चार के घर आना ना ते रोज आके ते मां दे कदम पकड़ने, मां दा नाम सी बिदार बीबी, अखां तू नबी नहीं सन। रोज आके ते मां दे कदम पकड़ने ते अर्ज करनी अम्मा
इजाजत होवे ते मदीने नबी वेखावां। डोगरा कलां दे नौजवानों आज मां दी कदर, आज ते पुत्र रात ते 2 बजे भी घर नहीं आउंदे ते मावां उड़ीकदियां रहिंदियां मेरा पुत्र किथे गया है। अद्धी रात वेले पुत्र घर आवे ते बाप पुछे ना किथों आए, ते पुत्र इंज घूरी पा के अज बाप वल वेखदे ने कि बाप बेचारा अगली रात पुछदा ही नहीं किथों आए। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, है ना, घर के चिराग से इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मामा रोंदियां ते बाप को लांदे, पर उदो खाजा वैसे करनी दा मर्तबा ते मुकाम वेख, वेखन नबी नु जाना है ते पुछ दे मां को, कहंदे ने अम्मा इजाजत होवे नबी वेखां, ते मां ने रोज कहना ना जामी मैं नबी नहीं हां, वडेरी हां, मर गई मैनू कौन संभालेगा, तू ना जावे। ऐसा मां दा फर्म बरदार के रोज ही चुप कर जाते। नौजवान एक दिन उठ चार के कर रहे मां दे कदम पकड़ के रोई जा रहे, अर्ज कर देने अम्मा अज मदीने ना गया कलेजा फट जाएगा। अर्ज की थी अम्मा मैं सुने अबू बकर हर वेले यार दी दीद कर देने, उमर हर वेले यार दिया गल्ला सुन देने, उस मां ते अली हर दे सामने बैठ देने। अर्ज की थी अम्मा इजाजत दे दे नबी वे खावा, आके तेनो भी दसागा सारा जग बनाने वाले ने अपना यार किन्ना कु सोना बनाया। जड़ा उच्चा बोले अपनी अम्मी नू अम्मी जी कह के बोला वे करे, जड़ा इस तू उच्चा बोले अबू नू भी अबू जी कह के बोला वे करे, हाथ चुके जड़ा इस तू उच्चा बोले 5 वक्त दा बाद जमात नमाजी हो जावे। या अल्लाह जड़ा इस तो उच्चा बोलिया जा अपने ते मापियां दे गुनाह माफ करा के ले जाओ। मेरी मिल्लत दे नौजवानों मां कह लगी जा नबी वेखे उन्हों की चाहिदा सी, वेख सब उठ के दौड़ पे। अम्मा कह लगी वे 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 उवैस जरा ठहरी, मैं सुनिया 4 पहर मदीने जांदे लगदे ने ते 4 होंदे लगदे ने, 8 पहरां दा वेला देनियां दौड़दा जामी ते दौड़दा जामी नबी मिल पे ते वेखावी, ठंडे पानी का घड़ा भरिया मां के सराने रखिया, काना बना के मां के सराने रखिया, मेरी मां नूं किधरे तकलीफ ना हो। टुरन लगे ते मां के कदम दबा दे, अथरू मां के कदमां ते डिग पे, रोके अर्ज की अम्मा दुआ करी सोना घर ही मिल जाए। इधर खाजा वैसे करन ही टुरन लगे तो उधर मदीने माशा सिद्दीका फरमा दिया नबी पाक हुजरे चो निकल गए। दरवाजे च जाके सरकार ने मुड़ के वेख्या ते फरमाया आशा मैं जरा बाहर चलिया ते मेरा एक परौना आवेगा, मेरा एक मेहमान आवेगा, वह आवे तो उन्हें जान ना देवी, वह मैनू वेखन आ रहा तो मैं भी उन्होंने वेखना है। माशा फरमा दिया, इतना फरमा के नबी पाक बाहर तशरीफ ले गए। नौजवान इधर खाजा वैसे करनी मां दे कदम चमके मदीने वाले आ रहे, दौड़ दौड़ के पैर छाले पै गए, ऊंट दी खल दा लिबास फट गया, वाला विच धूड़ पै गई, नाले रोंदे नाले मदीने वाले वेख के कहंदे ने रब्बा इन्नी जिंदगी दे दे एक बारी तेरा मही वेखिया वा। अर्दा करदे ने कमली वालिया तेरा उवैस पिया आउंदा ई। नौजवान जड़े वेले मदीने दियां दीवारां नदरी आईया, आशिक दियां चीखां निकल गईयां, आके दीवारां चुमदे ने मिट्टी सीने दे नाल मल देने, निके निके बच्चों नूं सीने लगा के फरमा देने तुहाडी आत्मा तू वारी जावा उन्हां हवावां च सा लैंदे ओ, जिथे रब दा माही पिया सा लैंदा ए, टुरे टुरे सरकार दे हुजरे दे बाहर आए।
बड़े अदब दे नाल दरवाजा खड़काया। अम्मा आयशा फरमांदियां कौन है, रो के कहन लगे अम्मा जी कुछ होवां ते दसां कौन है, सारी हस्ती यार पिछे मिटाओ आया। माया जा परमान लगिया वे कितों आया है, अर्ज की थी अम्मा जी यमन जो नबी दा आशिक वैस आया है, जरा सरकार नु बार भेजे आज मैं नबी पाक दी दीद करने आया। अम्मा आशा फरमान लगिया वे आओ ना बाले आओ, वे नबी पाक दे घर कोई नहीं, खाजा वैस धड़ा मार के रो पे। अर्ज की थी अल्लाह सारी जिंदगी उड़ीकां करदा बैठ जाओ थोड़ी देर उड़ीक ले नबी आ जाते ने। अर्ज की अम्मा जी उड़ीक कि वेला ही कोई नहीं, पिछे माओ पी उड़ीक खरदी है। अर्ज की थी अम्मा जी कमली वाले ते नहीं मिले, जरा परदे जियो जाओ मैं जांदी वारी ओ बेड़ा ही वेख जावां जिथे मेरा मही वसदा है। अमाया शर्मा दिया मैं परदे च आ गई, अंदर ही कभी खरिया वाला वाला आया, ओदे वाला विच धूड़े पैरां विच छले ने, दीवारां चुमदे निक्कियां निक्कियां चीजां चुमदे रोंदा है। फरमा दिया ओदी हालत वेख के मैं भी रोण लग पई, और रोंदा रोंदा बाहर निकलिया। दरवाजे च जाके ने मुड़ के वेख्या, कहन लगा कमली वालिया बड़ी दूर तेरा दीवाना बसदा ई, मिलन आया सटुर चलिया, कुछ नहीं मंगदा इको अर्ज कर चलिया। जदू कियामत दा दिहाड़ा आवे अपने आशकां दी गिनती करें, बिच मेरी भी गिनती कर लई। अर्ध की सोनिया तेरा कोई वैस आया सी। सैयद आलम ने फरमाया आशा किवें दसी, अर्ध की सोनिया पैरां विच छाले सन, ऊंट की खल दा फटिया लिबास ते बालां विच धूड़, कोई दरवेश सी सोने लगता किधरों दूर ही आया सी। नबी पाक रो के फरमाया वाह आने वाले आप टुर गए, खुशबुआ मुहम्मद दे वेड़े छड़ गए। सरकार बाहर तशरीफ लिया ते फरमाया सहाबा दौड़ो को मेरा उवैस ढूंढ के ले आओ। सहाबा बड़ा दौड़े मगर खाजा वैसे करनी मदीने दी चूह चू निकल गए। अज शाम ना पई ते अठ पैर भी ना गुजरे ते खाजा वैसे करनी घर पहुंच गए। नबी ने मां दरवाजा खुलने की आवाज सुनी ना, अम्मा कहती है उवैस आ गए, दुख नाल बोलिया ही ना गया। अम्मा कहन लगी वे नबी वे खाया है, रोके मां दे कदम फड़ के अर्ज की थी लगदा रोंदी ही मर जाना है। अम्मी कहन लगी वे रोना क्यों है, अर्ज की थी अम्मा नबी पाक घर नहीं मिले। अम्मा कहन लगी वे थोड़ी देर उड़ीक लेना सी, अर्ज की थी अम्मा उड़ीकिया नहीं किधर मां तब या दब ना यो जावा। अम्मा फड़के सीने न ला ले आओ। अम्मा कहन लगी वैसे जे तू मां दा एडा फरमा बरदार है, चुप कर मां दुआ देंदी है, तू मां दी खिदमत ही करी ही जाओ, तेनू मां दियां दुआवां ने सारा जग नबी दियां गल्लां करेगा, नबी तेरियां गल्लां करे। जग ते रब नबी दियां गल्लां करेगा ते नबी तेरियां गल्लां करेगा। साईं सरदार ने आख्या सी कोई कोल रह के जादूगर आखे। अबू लहब मक्के च मेरे नबी दा हमसाया सी, अबू जहल दा मकान मेरे नबी दे घर दे करीब है, पर कोई कोल रह के जादूगर आखे। कोई आ दूरों दर्जे लै जांदा उदू रहिंदे कख सरदार साईयां, जदों अपना ही कख ना रह जांदा। इश्क विच कख ना रवे ते कख रहिंदा। उन्हें सारा कुछ ही मुस्तफा तो कुर्बान करके फना फिर रसूल का मुकाम पा लिया।
जगत रब नबी दियां गल्लां करदे ते नबी पाक सहाबा नूं बिठा के फरमांदे ने आओ मैं तुहानूं उवैस दियां गल्लां सुनावां। नबी पाक ने फिर अपना जुब्बा भेजिया, फरमा मुरे फारूक मेरा जुब्बा उन्हें देख के आख्या जी मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर दे, क्योंकि मुस्तजाब दावा थे ना। फरमाया कि उन्होंने कहना मेरा जुब्बा पहन के मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। तो नौजवानों पता चलिया भावे बाबा फरीद होवे, भावे खैरुत्ताबीन होवे, भावे हजरत बायज़ीद बुस्तामी होवन, हजरत इमाम अबू हनीफा होवन, इमाम बुखारी होवन, कोई भी वली होवे, पिछे दुआवां मां दी। आखिरी गल, बुखारा शहर के अंदर एक नौजवान बच्ची की शादी हुई, उन्हें भी अर्ज की या अल्लाह मैं पुत्र दे ते मैं उदा नाम मुहम्मद रखांगे ते तेरे मुहम्मद दे दीन दा आलिम बनावांगे। अल्लाह ने पुत्र दिता ते मां बड़े चावां नाल पाल रही। बच्चा जब टुरन फिरन के काबिल होया ते मां परेशान हो गई कि ठोकरा खा के डिगदा है, बहुत ज्यादा डिगदा है। एक दिन मां ने गौर किया ते मां दा कलेजा ही फट गया, क्योंकि बच्चा पैदा होया मगर अखियां ते हैं पर अखियां च नूर कोई नहीं। मां ने मुसल्ला बिछा लिया, सजदे च रो के अर्ज कर दी या अल्लाह मैं इवें दा नहीं सी मंगिया, मैं ते मंगिया सी पुत्र देवेगा ओ नबी दे दीन दा आलिम बनावांगी। अखा तू नबी ना मजूर है, सारी जिंदगी ठोकरां खेडे खांदा रहेगा। अर्ज कर दी या अल्लाह तेनों तेरे मुहम्मद दे नूर दा वास्ता ही मेरे मुहम्मद दी अखां दा नूर दे दे। मां सजदे च रोंदिया रोंदिया अख लग गई। एक बाबा जी ख्वाब च आए, फरमाया बेटी सिर झुकला, अल्लाह ने तेरे पुत्र दियां अखां दा नूर दे दिता ही। अम्मा ने उठ के वेखिया पुत्र दियां अखां दा नूर वापिस आ गया। ओही बच्चा है जिन्हों नबी दी 6 लख हदीस जुबानी याद है, जिन्हों दुनिया इमाम बुखारी कहती